देवभूमि में हैवानियत की हद पार करने वाला मामला सामने आया है, जहां मंडी जिला के सरकाघाट उपमंडल के युवक ने 13 साल की नाबालिग बच्ची से रेप कर उसे गर्भवती बना दिया। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब बच्ची को उसके दादा दादी जांच के लिए जोनल अस्पताल लाए। यहां डॉक्टर ने पाया कि वे गर्भवती है। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी और थाना मंडी से टीम ने आकर कार्रवाई शुरू की। नाबालिग बच्ची 13 साल की है और स्कूल में पढ़ती है। लड़की ने पुलिस को दिए बयान में बताया है कि ये घटना इस साल जनवरी महीने की है। जब वे स्कूल से घर लौट रही थी तो उसी के इलाके के एक युवक ने उसके साथ जबरन रेप किया। उसने डर के कारण इस घटना के बारे में किसी से कुछ नहीं बताया, लेकिन अब चेकअप के दौरान पता चला है कि वे पेट से है। लड़की की माँ नहीं है और पिता ने दूसरी शादी कर ली है। ऐसे में लड़की अपने बूढ़े दादा दादी के पास रहती है। पुलिस ने लड़की के बयान दर्ज करने के बाद धारा 376 और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं आरोपी युवक को पकड़ने के लिए पुलिस टीमें भी रवाना हो गई हैं। एसपी मंडी गुरदेव चंद शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस के पास जोनल हॉस्पिटल मंडी से एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक माइनर बच्ची है जो कि प्रेग्नेंट है, और उस इन्फॉर्मेशन पे पुलिस ने उस बच्ची का बयान दर्ज किया। तो उससे बयान पर पाया गया कि जनवरी माह में एक जो व्यक्ति जो कि उसके पास के ही गांव का रहने वाला था, उसने उसके साथ जब वो स्कूल से वापस आ रही थी उसके साथ बलात्कार किया। और इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे पुलिस ने 376 आईपीसी और सेक्शन 4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसकी जांच जारी है और दोषी को गिरफ्तार करने के लिए टीम भेज दी गई है और वो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा।